हेलो गाइज, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। यह क्वेश्चन देखिए, आप लोग को दिया गया है, यदि y इज इक्वल टू 3e2x प्लस 2e3x है तो सिद्ध करें कि d2y/dx² माइनस 5dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो आप लोग को इस y इज इक्वल टू जो इक्वेशन दिया गया है उसको आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को क्या करना है, तो देखिए y इज इक्वल टू जो दिया गया है उसको गिवन डेट करके आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव यहां दिया गया है सिद्ध करेंगे, जीरो के इक्वल आ गया तो मेरा सही होगा अन्यथा गलत होगा। तो सबसे पहले dy/dx निकालेंगे, उसके बाद d2 अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोग गिवन डेट करके लिख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम इसी तरह से क्राइटेरिया से बनाइएगा आप लोग। ठीक, अब लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पर क्या लिखेंगे। इंग्लिश में अगर आप लोगों को लिखना हो तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पर। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए उसके बाद लिखेंगे dy/dx। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि y के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक, इज इक्वल टू क्या है, d3e2x प्लस 2e2x dx। ठीक, देखिए आप इसका डिफरेंशिएट अलग अलग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक, तो लिखेंगे d, देखिए 3 कांस्टेंट है तो बाहर भी पहले कर सकते हैं, डायरेक्ट अभी हम लोग बाहर लिख लेते हैं, e2x/dx प्लस, फिर यहां से 2 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पर 3x है, यहां पर इसको 3x कर लीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा d e2 power 3x dx। ठीक, इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम लोग यहां से क्या लिखेंगे, dy/dx इज इक्वल टू 3 बाहर है। ठीक, आप देखिए e2 power 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2e2 power 2x, क्योंकि चेन रूल से आप लोग जानते हैं। ठीक, तो यहां से लिख लेंगे d e2 power 2x का डिफरेंशिएशन, अगर नहीं आता होगा तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं d e2 power 2x by d2x into d2x by dx। यहां से 2x के रिस्पेक्ट में e2 power 2x का डिफरेंशिएशन e2 power 2x होगा, और 2 कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, dx/dx 1 होता है, हो जाएगा 2, तो इसको लिख सकते हैं 2e2 power 2x। ठीक, अब इसलिए आप लोग को आप समझ में आ गया होगा, इसको क्या लिखेंगे, 2e2 power 2x प्लस 2 इंटू अब e2 power 3 का डिफरेंशिएशन, 3e2 power x, क्योंकि यहाँ पर e2 power 2, तब समझ गए होंगे 3e2 power 3x। ठीक, अब देखिए इसको मिटा दें, देखिए अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई, 6e2 power 2x प्लस 6e2 power 3x, इसको लिख सकते हैं 6e2 power 2x प्लस 6e2 power 3x। तो हम लोग को पता चल गया dy/dx, तो नीचे लिख सकते हैं आप लोग, इसीलिए dy/dx इज इक्वल टू 6e2 power 2x प्लस 6e2 power 3x। ठीक, यह आप लोग का आ गया इतना। अब हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, dy/dx तो पता चल गया, अब हम लोग y तो पता ही है, पहले से दिया गया है गिवन में, अब क्या करेंगे d2y/dx² मतलब अगेन डेरिवेटिव, dy/dx होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, d2y/dx² होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो आया है इसी को आप अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे, मतलब अब यहां तक आप लोग अगर छाप लिए होंगे तो हम लोग करेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x यहां पर जस्ट। ठीक, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक, चलिए बस इस स्टेप के बाद आप लोग को आगे बढ़ना है। ठीक, देखिए इसको मिटाते हैं, अब dy/dx आया है, इसी को क्या करना है अगेन डिफरेंशिएशन, चलिए गिवन डेट को मिटा दिया है,
और इसका कहानी अभी खत्म है। ठीक, तो फिर से आप लोग को क्या लिखिएगा, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, अब जो आया है इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो क्या हो जाएगा, अगेन डिफरेंशिएशन dy by dx, तो d2y by dx square फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव इसी तरह लिखाता है d2y by dx square। ठीक, इज इक्वल टू क्या है 6, तो इसको भी लिखेंगे d 6 e to the power 2x plus 6 e to the power 3x by dx, तो इसको भी सेपरेट कर सकते हैं 6 को बाहर कांस्टेंट टर्म को, तो क्या हो जाएगा d e to the power 2x by dx plus 6 को बाहर करेंगे d e to the power 3x by dx, इतना कर लेंगे। ठीक, इतना करने के बाद क्या हो जाएगा d2y by dx square is equal to, देखिए 6 into क्या हो जाएगा यहां से e to the power 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 e to the power 2x, जो पावर में रहेगा उसका कोफिशिएंट आ जाएगा और वही रह जाएगा e to the power, ठीक, प्लस 6 into e to the power 3 का डिफरेंशिएशन 3 e to the power 3x, इसी को लिख सकते हैं, इसलिए d2y by dx is equal to 6 से 2 से मल्टीप्लाई 12 e to the power 2x प्लस 6 को 3 से करेंगे 18 e to the power 3x, यही आ गया इक्वेशन सेकंड। तो आप लोग को इक्वेशन फर्स्ट dy by dx और d2y by dx square पता चल गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पता चल गया। अब इस इक्वेशन को आप लोग पुट अप कर सकते हैं, अगेन इनके LHS इज इक्वल टू इतना, तो LHS में वाले पार्ट में रखेंगे, RHS पार्ट में आ गया तो हम लोग समझेंगे मेरा प्रूव्ड हो गया। यहीं से आप लोग को 5 मार्क्स पूछा जाता है, यहां तक दो इक्वेशन सॉल्व कर लिए, दोनों इक्वेशन को रखिए, बाकी वाला सबको रिमूव करते हैं, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो में। ठीक, तो आप लोग को अच्छी खासा समझ में आ जाएगा, चलिए आगे बढ़े, इसको मिटा दें। ठीक, तो सबसे क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर अगेन निकालने के लिए डी टू वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए इसी तरह करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड, बस डिफरेंशिएट करके निकाल देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों इक्वेशन को रखेंगे क्योंकि हमें हमको d2y by dx square और dy by dx को पता होना चाहिए। ठीक, चलिए तो आप हम लोग क्या करेंगे, अगेन LHS, LHS वाला पार्ट क्या है d2y by dx square minus 5 dy by dx plus 6y। ठीक, LHS टर्म 0, तो देखिए अब हमको क्या दिया है d2y by dx square क्या आया है 12 e to the power 2x plus 18 e to the power 3x फिर minus 5 dy by dx क्या आया है 6 e to the power 2x plus 6 e to the power 3x plus 6, y का वैल्यू क्या है जो गिवन में है, तो 6 into 3 e to the power 2x ठीक प्लस 2 e to the power 3x। ठीक, इतना दिया हुआ है, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा 12 e to the power 2x प्लस 18 e to the power 3x माइनस 5, देखिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 5 6 4 30 e to the power 2x प्लस माइनस माइनस फिर 5 6 जा 30 e to the power 3x प्लस 6 को 3 से क्या हो जाएगा 18 e to the power 2x, 6 को 2 से तो 12 e to the power 3x।
ठीक। चलिए नीचे वाले पार्ट को रिमूव करें क्योंकि अब इसका वैल्यू हम लोग रख दिए हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी फाइव डी एक्स जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 e to the power 2x minus, sorry, plus, फिर 18 e to the power 3x और 12 e to the power 3x क्या हो जाएगा, 30 e to the power 3x, फिर माइनस में ये है माइनस 30 e to the power 2x माइनस 30 e to the power 3x। तो देखिए 30 e to the power 2x, 30 e to the power 2x माइनस, यहाँ प्लस में माइनस में कैंसिल, 30 e to the power 3x प्लस में है और 30 e to the power 3x माइनस में, कट के क्या आ गया जीरो, यही हम लोग को RHS टर्म पूछ रहा है। ठीक, तो प्रूव्ड, ठीक, तो यहां तक आप लोग प्रूव्ड कर दीजिएगा तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स ऑलरेडी मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या किए थे, y इज इक्वल टू जो इक्वेशन है उसको गिवन करके लिखिएगा, फिर क्या कीजिएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलित करने पर, फिर dy by dx हम लोग को पता चल जाएगा, उसके बाद फिर क्या करेंगे d2y by dx square निकालना है तो अगेन डिफरेंशिएट सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, इसी तरह x डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलित करने पर, फिर 6y है यहां पर, y का वैल्यू हम लोग को पता है इक्वेशन यही दिया गया है गिवन में। ठीक, उसके बाद हम लोग इक्वेशन में पुट अप करेंगे जो सिद्ध करने के लिए कहा जाता है इसको, तो LHS टर्म d2y by dx square minus 5dy by dx plus 6y, यहां से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले थे इतना है 12 e to the power 2x plus 18 e to the power 3x minus dy by dx क्या निकाले थे 6 e to the power 2x plus 6 e to the power 3x, y का वैल्यू थी 3 e to the power 2x plus 2 e to the power 3x, फिर वैल्यू रखेंगे पुट अप कट पुट करके क्या आ गया LHS वैल्यू 0 है 0। ठीक, यहां तक अगर आप लोग प्रूव कर देते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग को 5 मार्क्स मिल जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, फिर एक नए क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, थैंक यू।